मैसेल्फ मानिक पांडे, आज मैं आया हूँ एक नई काउंसिल लेके, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। आज के समय में सारे लोग MBBS कोर्स करना चाह रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो हमको समझना है कि मेडिकल कॉलेज में हम प्रवेश ले रहे हैं तो MCI का क्या रोल है। MCI स्टैंड फॉर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इस वीडियो में हम 6 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज MCI, MCI है क्या, जो कि बाद में NMC नेशनल मेडिकल कमीशन बनने जा रहा है। सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ MCI, MCI के फंक्शंस या रोल्स क्या है इंडिया में। थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे व्हाई MCI अप्रूवल इज इम्पॉर्टेंट। किसी भी मेडिकल कॉलेज में, चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो MCI का अप्रूवल क्यों इम्पोर्टेंट है। एंड फोर्थ पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि MCI अप्रूव्ड कोई कॉलेज है या नहीं, उसको किस तरह से आप पता कर सकते हो। जिस भी कॉलेज में आप प्रवेश ले रहे हो वो MCI अप्रूव्ड है या नहीं है, आप इस तरह से पता कर सकते हो। इवन फॉरेन के यूनिवर्सिटी और बोर्ड को भी MCI रिकॉग्निशन देता है, तो आप फॉरेन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट को भी MCI से पता कर सकते हो कि वो MCI से कोलाबरेटेड है या नहीं है। फिफ्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे MCI वर्सेज NMC, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेज नेशनल मेडिकल कमीशन, जो कि बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग पांचवें पॉइंट में। और लास्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे फॉरेन यूनिवर्सिटी के जो कोर्स हैं, अगर आप अब्रॉड से MBBS कोर्स करके आ रहे हो तो वो वैलिड है कि नहीं है, और अगर वो वैलिड है तो इंडिया में किस तरह से वैलिड है, और उसके अप्रूव्ड संस्थानों को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट में हम इसी में डिस्कस करेंगे 6 पॉइंट में, कि अगर आप फॉरेन से एग्जाम, फॉरेन से MBBS करके आ रहे हो तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन FMGE एग्जाम आप किस तरह से दोगे, और आपके लिए वो जरूरी है कि नहीं है। तो ये 6 पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं, तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को आपने कंप्लीट पूरा देख लिया, तो आप किसी भी मेडिकल कोर्स में MBBS में एडमिशन ले रहे हो, या इंडिया में ले रहे हो या अब्रॉड में ले रहे हो, आपको कंप्लीट जानकारी हो जाएगी, और आप किसी भी तरह से गलत डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जो कि MCI की है। तो आप गलत डिसीजन नहीं लोगे, और किसी भी तरह से किसी के बहकावे या प्रलोभन में आके आप डिसीजन नहीं लोगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है MCI। तो अब हम बात करते हैं MCI की, कि MCI है क्या। MCI इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1933 के थ्रू एस्टेब्लिश हुआ है। MCI जो प्रभाव में आया था इंडिया में वो 1934 में आया था। उसका जो मेन काम था, पूरे भारतवर्ष में जितने भी मेडिकल के कोर्सेज हैं उनको समतुल्यता प्रदान करना, मतलब एक तरह के यूनिफॉर्म तरीके से वो सारे कॉलेजेस को एफिलिएट करेगा, और जो भी डॉक्टर्स हैं उनको प्रैक्टिस की लाइसेंसिंग देगा, और जो भी मेडिकल कॉलेजेज हैं उनको अप्रूवल देगा, और जो फॉरेन के कोर्स या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोर्स हैं, इंडिया से कोई बाहर जा रहा है या कोई बाहर से इंडिया आ रहा है, तो फॉरेन कोर्स और यूनिवर्सिटी के बीच में कोऑर्डिनेशन करना। तो दिस इज दी MCI। MCI को 1956 में, 1993 में, 1964 में एंड 2001 में 4 बार मॉडिफाई किया जा चुका है। ये जो MCI आपकी है, इस MCI को 4 बार मॉडिफाई किया जा चुका है, मतलब समय के अनुसार जो भी इसमें चेंजेज आया है इस संशोधन के थ्रू MCI में किया गया। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ MCI की, फंक्शंस या रोल, MCI का रोल क्या है। तो MCI का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, पूरे भारतवर्ष में एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बनाना मेडिकल एजुकेशन में, पूरे भारतवर्ष में UG और PG कोर्स में एक यूनिफॉर्म मेडिकल स्टैंडर्ड बनाना जिसको सारे कॉलेजेज फॉलो करें। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ MCI। MCI का जो सेकेंड फंक्शन है, रिकॉग्निशन या डी रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना जितने भी इंडिया में कॉलेजेज हैं या अब्रॉड के कॉलेजेज हैं, मतलब भारत में जितने भी मेडिकल के कॉलेजेज हैं उनको अप्रूवल प्रोवाइड करना, उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना, और अगर कोई कॉलेज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उनको डी रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना। थर्ड पॉइंट में, जितने भी MBBS करने के बाद डॉक्टर्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करती है और उनको लाइसेंस प्रोवाइड करती है। MCI जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स हैं आफ्टर MBBS उनका रजिस्ट्रेशन करती है, उनको प्रोविजनल या परमानेंट रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है और उनको लाइसेंसिंग प्रोवाइड करती है। फोर्थ पॉइंट में, भारत और भारत के बाहर, जैसे आप अगर इंडिया से हैं तो आप अब्रॉड में जाके MBBS करोगे, और कोई अब्रॉड में है तो वो इंडिया से आके MBBS करेगा। तो ये जो इंडिया और फॉरेन के अलग अलग यूनिवर्सिटी और कोर्स हैं, मेडिकल कोर्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना, जैसे यहाँ का कोई स्टूडेंट है तो वहाँ जाके कर रहा है और वहाँ का कोई स्टूडेंट है तो यहाँ पे आके कर रहा है, तो उन दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे व्हाई MCI अप्रूवल इज इम्पोर्टेंट। MCI का अप्रूवल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बिना MCI के अप्रूवल के अगर आप किसी कॉलेज या संस्थान में प्रवेश ले रहे हो वो वैलिड नहीं है,
आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। और सबसे जो बेसिक बात एक और समझनी है हम लोगों को, सपोज चलिए हम और आप हैं, अगर हमारी एप्लिक फैमिली में किसी को प्रॉब्लम होती है तो क्या आप किसी झोला छाप डॉक्टर के यहाँ जाना पसंद करते हो? आप तो उसके पास जाओगे ना जो रजिस्टर्ड लाइसेंस है, जिसको MCI ने अप्रूवल दिया हुआ है। तो ये कन्फर्म है कि अगर आप MBBS कर रहे हो और वो कॉलेज MCI से अप्रूव नहीं है तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, मतलब वो कोर्स या कॉलेज वैलिड नहीं है, अप्रूव नहीं है। तो विदाउट MCI कोई भी कोर्स वैलिड नहीं है, चाहे वो इंडिया का है या इंडिया के बाहर है। आप फॉरेन में भी एडमिशन ले रहे हैं तो वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी MCI से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, MCI से कोलाबरेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, हाउ वी कैन वेरीफाई एनी कॉलेज इज वेरीफाइड फ्रॉम MCI और नॉट। अगर कोई कॉलेज MCI से अप्रूव्ड है कि नहीं, तो सिंपली आप www.mciindia.org पे जाएंगे, उसमें फॉर स्टूडेंट सेक्शन का ऑप्शन बना हुआ है, उसमें जाएंगे तो आपको मेडिकल कॉलेज टीचिंग MBBS, मेडिकल कॉलेज टीचिंग MD, अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, तो वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। इवन फॉरिन के जो यूनिवर्सिटी हैं या इंस्टीट्यूशन हैं जो मेडिकल कोर्स प्रोवाइड करते हैं, उनकी लिस्ट भी MCI पे पड़ी हुई है, आप उसको भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे MCI एंड NMC, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस नेशनल मेडिकल कमीशन। अगर भारत सरकार की जो प्लानिंग है सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्दी ही MCI खत्म हो जाएगी और नेशनल मेडिकल कमीशन उसकी जगह लेगा और उसके अकॉर्डिंग सारे रूल एंड रेगुलेशन, सारे रिकॉग्निशन, लाइसेंसिंग, ईच एंड एवरीथिंग NMC प्रोवाइड करेगी। दोनों में क्या कंट्रोवर्सी है इसको भी समझ लेते हैं। MCI जब बना 1934 में, उसके बाद से 1990 तक सब कुछ सही चल रहा था। 1990s के बाद भारतवर्ष में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का आना शुरू हुआ। उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को सीटों को लेके और अप्रूवल को लेके विदाउट प्रॉपर स्टैंडर्ड, विदाउट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल कॉलेज को लाइसेंसिंग दी जाने लगी, मान्यता दी जाने लगी, और अल्टीमेट क्या हुआ, कंप्लीट जो मेडिकल का एजुकेशन का पूरा प्राइवेटाइजेशन हो गया। इस खेल में MCI बहुत अच्छे तरीके से मिली रही। आज के समय में हम जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं किसी भी अस्पताल में या बेसिक लेवल पे अगर हम कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कुछ हद तक उसकी जिम्मेदार MCI भी है। ये कैसे है समझते हैं। इन 2010 MCI के तत्कालीन चेयरमैन मिस्टर केतन देसाई को बरेली के एक मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल देने के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसी समय केंद्र सरकार की सिफारिश पे माननीय राष्ट्रपति महोदय ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने MCI को रिजॉल्व कर दिया। उसके बाद एक 7 से 12 मेंबर की कमेटी बनाई गई जो MCI का सारा कार्यभार देखने लगी। उसी के अकॉर्डिंग कॉलेजेज को अप्रूवल, रिकॉग्निशन, फॉरेन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज को कोलाबरेट करके देखा जाने लगा। मतलब जो सारा काम MCI कर रही थी अब वो 7 से 12 मेंबर की एक कमेटी करने लगी, जिसमें एम्स के भी डायरेक्टर होते हैं, नीति आयोग से कोई एक मेंबर होता है, तो इस तरह से 7 से 12 मेंबर होते हैं, उसमें 4 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनी होते हैं। तो ये MCI सारा काम करने लगी। आफ्टर ऑल फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि NMC चाहिए, नेशनल मेडिकल कमीशन चाहिए, जो MCI के लेवल पे जो भी भ्रष्टाचार है, जो भी अनियमितता है या जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसको खत्म करने के लिए NMC का प्रोविजन लाया गया, NMC बिल, नेशनल मेडिकल कमीशन बिल। इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है और इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास भी कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की संस्तुति के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर पेंडिंग है, उनके अप्रूवल का पेंडिंग है, इसके बाद ये कानून बन जाएगा और MCI पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं कि MCI के डिजॉल्व होने का डॉक्टर्स विरोध क्यों कर रहे हैं, अपोज क्यों कर रहे हैं, इसको भी समझ लेते हैं। ये आपको समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो भ्रष्टाचार की वजह है वो MCI है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह MCI है। जब 2010 में मिस्टर केतन देसाई गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा था कि एक कमेटी बनाइए जो MCI के कार्य को रेगुलेट करे, MCI के कार्य को ऑब्जर्व करे, बट उस कमेटी को भी MCI ने प्रॉपर सपोर्ट नहीं दिया। उस कमेटी को कहना पड़ा कि ये जो MCI है ये डॉक्टरों का एक क्लब है। उस कमेटी ने कहा ये जो MCI है ये डॉक्टरों का एक क्लब है, प्रॉपरली वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। अब बात करते हैं NMC की, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के बारे में समझ लेते हैं कि डॉक्टर्स इसका अपोज क्यों कर रहे हैं और इस बिल में है क्या। NMC बिल में लगभग 25 मेंबर की टीम होगी जो NMC के कंप्लीट काम को देखेगी, जिसमें एक चेयरमैन होंगे और डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे लोग होंगे जो कंप्लीट काम को, जो MCI अभी देख रही है वो NMC देखेगी। सेकेंड चीज, इस बिल में ये कहा गया है कि 40% सीट है उनकी फीस सरकार निर्धारित करेगी और 60% जो सीट है उनकी फीस जो है संबंधित निजी कॉलेज निर्धारित करेगा।
इसके साथ ये भी कहा गया है कि अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है या फिर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है तो वो एक ब्रिज कोर्स करके एलोपैथिक दवाओं को दे सकता है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि आफ्टर कंप्लीशन द MBBS कोर्स डॉक्टर्स को कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट भी देना पड़ सकता है या फिर उनको कुछ समय तक सर्टेन टाइम्स तक 6 मंथ 3 मंथ रूरल एरिया में प्रैक्टिस करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो लाया जा रहा है। इसके साथ पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जाएगा, जो कोर्स है उनको एडवांस किया जाएगा और सबसे ज्यादा जो रिसर्च पे प्रमोट किया जाएगा जिससे कि मेडिकल में एडवांसमेंट आ सके और अच्छे तरीके से मेडिकल फील्ड में NMC वर्क कर सके। तो ये जो NMC है ये कंप्लीट MCI को खत्म कर देगी और NMC टेक प्लेस में आएगी, इसलिए डॉक्टर इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे पारदर्शिता आएगी, इससे जिम्मेदारी तय हो जाएगी। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप फॉरेन से MBBS करते हैं तो क्या वो इंडिया में वैलिड है कि नहीं। तो हमारा जवाब है बिल्कुल वैलिड है। अगर आप फॉरेन से MBBS कर रहे हो और आप नीट एग्जाम देने के बाद MBBS कोर्स में एडमिशन ले रहे हो और वो कोर्स MCI की साइट पे लिस्टेड है, आपको देखिए MCI और NMC में कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जब तक है तब तक MCI काम कर रही है, जैसे ही बिल पे प्रेसिडेंट के साइन हो जाएंगे तो NMC काम करने लगेंगे। वो सरकार का काम है, उसमें आपको परेशान नहीं होना है, उसमें आपको हमको पैनिक नहीं होना है। तो जैसे ही प्रेसिडेंट साहब इस पे साइन कर देंगे वो बिल बन जाएगा। तो अगर आप फॉरेन में किसी भी कोर्स में MBBS कोर्स में एडमिशन ले रहे हो और अगर वो MCI की साइट पे है तो वो बाकायदा वैलिड है। आप MCIIndia.org की साइट पे जाओगे और इंडिया और फॉरेन का सेक्शन बना हुआ है कोर्स का, उसमें जाके चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा कि कोई भी संबंधित कोर्स है वो अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर उस लिस्ट में उस संबंधित कॉलेज का नाम है, उस कंट्री का नाम है, तो वो कोर्स वैलिड है। आज के समय में एज ऑन पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार लगभग 5,000 से 6,000 स्टूडेंट इंडिया से फॉरेन में MBBS करने के लिए जाते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा जो जाते हैं वो रसिया में जाते हैं, कजाकिस्तान में जाते हैं, बांग्लादेश में जाते हैं, यूक्रेन में जाते हैं, नेपाल में जाते हैं, इस तरह की कंट्रीज में हमारे सबसे ज्यादा चाइना में जाते हैं। इस तरह से स्टूडेंट लगभग 5,000 से 6,000 हमारे स्टूडेंट फॉरेन कंट्री में जाते हैं। तो पहला पॉइंट ये होगा कि कोर्स वैलिड है अगर वो MCI की साइट पर लिस्टेड है वो संबंधित कोर्स। और आपको जब कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको नीट क्वालिफाई करके एडमिशन लेना है। अगर आप विदाउट नीट क्वालिफाई करके किसी भी फॉरेन कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो आपको लाइसेंस नहीं मिल पाएगा। सेकेंड पॉइंट, आप जब फॉरेन जाओगे तो MCI को बता के जाओगे, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है आपको भर के जाना होता है कि आप उस संबंधित राज्य में, उस संबंधित कंट्री में, उस संबंधित विश्वविद्यालय में या मेडिकल संस्थान में MBBS के कोर्स करने जा रहे हो। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में बात करेंगे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन FMGE की। ये FMGE है क्या? जब आप फॉरेन से MBBS कोर्स करके आओगे, अब्रॉड से MBBS कोर्स करके आओगे, तो एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है। 300 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको 50% सिक्योर करना होता है, आपको 150 मार्क्स ऑब्टेन करना होता है और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अगर वो लाइसेंसिंग एग्जाम आप पास नहीं करोगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाओगे। आजकल बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन होती है कि ये एग्जाम बहुत टफ है, बट ऐसा नहीं है। साल में 2 बार एग्जाम होते हैं तो आप उन एग्जाम्स को देके क्वालिफाई कर सकते हो। अब जब MBBS करने आप फॉरेन में जा रहे हो, सपोज करो इंडिया में फीस ज़्यादा है निजी मेडिकल कॉलेजेस की, फॉरेन में फीस कम है, और आप अगर प्रॉपर क्लासेस करोगे, लेबोरेटरी अटेंड करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, ट्यूटोरियल करोगे, मेडिकल स्टडी को लर्न करोगे, तो वो एग्जाम इतना टफ नहीं है। हालांकि रिपोर्ट्स बताते हैं कि इसमें 20 से 25 या 30% स्टूडेंट पास कर पाते हैं, तो लेकिन एक मेडिकल नॉर्म को मेंटेन करने के लिए ये जरूरी है। तो ये रही कंप्लीट MCI की बात कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या भविष्य में जो NMC नेशनल मेडिकल कमीशन होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, फैमिली में, सबको शेयर करिए जिससे कि सारे लोग अवेयर हो सकें। किसी भी मेडिकल कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, आपके फ्रेंड्स एडमिशन ले रहे हैं, ये आपको वीडियो कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करता है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप MCI वर्सेज NMC पे कहेंगे तो हम डिटेल में एक वीडियो बना देंगे। फॉरेन यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन ले रहे हो और ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ स्पेसिफिक क्वेरी है तो इस पर भी हम डिटेल में वीडियो बना देंगे। इस वीडियो को शेयर करें। अभी तक अगर आपने मानिक पांडे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।